पुष्पा मूवी सारे रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। पुष्पा मूवी में दिखाए गए लाल चंदन और उसकी तस्करी या कोई मात्र मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि यह मूवी एक रियल डाकू की स्टोरी पर आधारित है जिसने 40 सालों तक तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों में राज किया था। जी हाँ दोस्तों, आइए जानें कि यह डाकू कौन था और उसके कैसे इसने 40 सालों तक इन जंगलों में राज किया। क्या है इसकी कहानी और पुष्पा मूवी कैसे बनी, आइए जानें पुष्पा मूवी की पूरी कहानी। अल्लू अर्जुन की मूवी पुष्पा में जो रोल अल्लू अर्जुन ने पुष्पा के रूप में किया है वह असल में तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों में राज करने वाले एक कुख्यात डाकू पर आधारित है जिसका नाम वीरप्पन था। 18 अक्टूबर 2006 देश के सभी मीडिया चैनल पर सिर्फ एक ही खबर दिखाई जा रही थी, दक्षिण भारत का कुख्यात डाकू वीरप्पन एनकाउंटर में मारा गया। यह ऐसा डाकू था जिसे पकड़ना नामुमकिन लग रहा था। सरकार ने इसे पकड़ने के लिए 100 करोड़ रुपए भी खर्च कर डाला लेकिन इसे पकड़ नहीं पाई थी। वीरप्पन लंबे समय तक जंगलों में राज किया। कहा जाता है कि जंगल उसका घर था। जंगल का कोई भी ऐसा कोना नहीं था जिसे वीरप्पन नहीं जानता था। काफी समय तक जंगल में रहकर पुलिस को चकमा देता रहा लेकिन वीरप्पन जैसे डाकू को पकड़ना पुलिस के लिए आसान नहीं था। इसे पकड़ने के लिए बड़ी प्लानिंग करनी पड़ी थी, तब जाके कहीं वीरप्पन हाथ लगा था। लेकिन पुलिस ने उस वक्त भी कोई मौका ना गंवाते हुए उस पर लगातार 338 राउंड की फायरिंग की, तब जाके वीरप्पन को पकड़ा जा सका। लेकिन वीरप्पन के डाकू बनने का सफर कब शुरू हुआ, चलिए वो जानते हैं। इसकी कहानी 1962 से ही शुरू हो चुकी थी जब यह महज 10 साल का था। 10 साल की उम्र में इसने एक तस्कर का कत्ल किया। उसी समय फॉरेस्ट विभाग के 3 अफसरों को भी इसने मार गिराया था। वीरप्पन के गाँव वालों के मुताबिक यह एक बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था। आपको जानकर हैरानी होगी, इसे फॉरेस्ट विभाग के कुछ अफसरों ने ही इसे तस्करी करने के लिए उकसाया था। लेकिन जब यह स्मगलिंग करके खूब पैसे कमाने लगा तो इसे मारने के चक्कर में अधिकारी खुद इसके पीछे पड़ गए। इसके बाद वीरप्पन अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में भाग गया और फिर एक नई कहानी शुरू हुई। जंगलों में रहते रहते इसने 17 साल की उम्र में पहले हाथी को मारा। इसने तकरीबन 2000 हाथियों को मारा और कहा जाता है कि वो हाथियों के सिर के बीचों बीच गोली मारा करता था और उनके दांतों की स्मगलिंग किया करता था। इसके अलावा तमिलनाडु और कर्नाटक में पाए जाने वाले बेशकीमती लाल चंदन की भी स्मगलिंग करता था। चंदन की लकड़ी को काट कर उसकी तस्करी करना उसका खेल था। जब कभी भी कर्नाटक की पुलिस इसे पकड़ने जाती थी तो वह भागकर तमिलनाडु के बॉर्डर को क्रॉस कर लेता था। इसके बाद पुलिस वाले बॉर्डर के नियमों का मानते हुए बॉर्डर क्रॉस नहीं करते थे और बिल्कुल इसी तरह यह तमिलनाडु पुलिस के साथ भी करता था। जब भी कोई इसके खिलाफ जाता या इसे पकड़ने की कोशिश करता तो वीरप्पन उसे सीधे मौत के घाट उतार देता था। अब तक यह इसने करीबन 184 लोगों को मार चुका था। पैसे के लिए यह बड़े बड़े लोगों का अपहरण करता था और पैसा ना देने पर उन्हें मार देता था। लेकिन इन सब के अलावा वीरप्पन को नाम कमाने का भी शौक था। वो चाहता था कि देश का बच्चा बच्चा उसे जाने और इसलिए एक उसने रजनीकांत जैसे सुपर स्टार को भी किडनैप करने की कोशिश की लेकिन उसका प्लान फेल हो गया। लेकिन फिर एक बार सन 1997 में कन्नड़ फिल्म में के बहुत बड़े सुपरस्टार राजकुमार को किडनैप कर इसे जंगल में आग पर पट्टी बांधकर पीटते घसीटते हुए लाया गया और जैसे ही यह न्यूज़ बड़े बड़े मीडिया चैनल द्वारा दिखाया गया कि सुपरस्टार राजकुमार का वीरप्पन द्वारा अपहरण कर लिया गया, देश में हड़कंप मच गया। अब लोग वीरप्पन का नाम जानने के लगे तथा उसकी दहशत लोगों में फैल गई। वीरप्पन ने राजकुमार को छोड़ने के लिए 50 करोड़ की मांग की। सरकार द्वारा उसे पकड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई। काफी लंबे समय तक सर्च ऑपरेशन चलता रहा लेकिन वीरप्पन किसी के भी हाथ नहीं लगा क्योंकि जिस जंगल में वीरप्पन रहता था उससे बेहतर उसे कोई नहीं जानता था। लेकिन वीरप्पन यहाँ भी नहीं रुका और फिर सन 2002 में कर्नाटक के एक मिनिस्टर को किडनैप कर लिया और मांग पूरी न होने के कारण उन्हें मार दिया। इसे पकड़ने में सरकार भी लाचार हो चुकी थी। सरकार ने वीरप्पन को पकड़ने के लिए 5 करोड़ रुपए का इनाम रखा लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद विजय कुमार को एसटीएफ का चीफ बना दिया गया। जैसे ही विजय कुमार ने एसटीएफ की कमान संभाली तो उन्होंने वीरप्पन की सारी जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया क्योंकि विजय कुमार को
भी पता था कि वीरप्पन को पकड़ना इतना आसान नहीं है, इसलिए विजय कुमार ने वीरप्पन की गैंग में अपने आदमी घुसाने की कोशिश की और वे सफल भी हुए। अब उसकी गैंग में विजय कुमार के आदमी शामिल हो चुके थे, लेकिन इसकी भनक तक वीरप्पन को नहीं लगी। वक्त के साथ वीरप्पन की गैंग के आदमी धीरे धीरे कम होने लगे थे। इसी बीच विजय कुमार को पता चली कि वीरप्पन अपनी बात को पहुँचाने के लिए वीडियो कैमरे की मदद लेता है। वो अपनी वीडियो शूट करवाता था और अपने दूसरे कैम तक पहुंचाता था। वीरप्पन का एक ऐसा वीडियो विजय कुमार के हाथ लगा, जिसे गौर से देखने के बाद पता लगा कि वीरप्पन की एक आंख में कुछ दिक्कत है और वह जल्द ही इसका इलाज कहीं जरूर करवाएगा। वीरप्पन अपनी एक आंख से बहुत परेशान था और वह इलाज की तरकीब लगा रहा था। इसी बीच जो वीरप्पन की गैंग में विजय कुमार के आदमी शामिल थे, वे वीरप्पन को उकसाने लगे कि यदि जल्दी ही उसने अपनी आंख का इलाज नहीं कराया तो उसकी आंख खराब हो सकती है। और आखिरकार उस दिन का इंतजार खत्म हुआ और जिसका एसटीएफ को इंतजार था। वीरप्पन को पकड़ने की सारी तैयारी हो चुकी थी। वीरप्पन की गैंग में शामिल विजय कुमार के आदमी ने वीरप्पन को बताया कि सड़क किनारे एम्बुलेंस आएगी और उसे ले जाएगी, लेकिन असलियत में वह कोई एम्बुलेंस नहीं थी, बल्कि वह पुलिस की गाड़ी थी जिसमें विजय कुमार के ड्राइवर थे। वीरप्पन और उसके कुछ साथी जंगलों से निकलकर एम्बुलेंस में बैठ गए और एम्बुलेंस चल पड़ी, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसके ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और ड्राइवर भाग गए। और जहां पर गाड़ी रोकी वहां पहले से ही बहुत सारी पुलिस वाले छिपे हुए थे। जैसे ही गाड़ी रुकी, पुलिस वाले ने फायरिंग शुरू कर दी और लगातार 338 राउंड की फायरिंग की गई, लेकिन इसमें से केवल दो गोली ही वीरप्पन को लगी और इस तरह से वीरप्पन का इनकाउंटर में मारा गया। और इसी वीरप्पन डाकू की कहानी से प्रेरित होकर पुष्पा मूवी को बनाया गया है, जो कि आज के समय में बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हो रही है और यह सारे रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करो लाइक और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को करो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।